अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिस पर एक कत्ल के बदले में उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी मुकम्मल हकीकत, तो जुड़े रहें आज की इस वीडियो के साथ। दोस्तों नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल सऊदी अरब के शहर नजरान के रहने वाले थे। एक मामूली तलखनामी पर उनसे उनका कजन का कत्ल हो गया, जिस पर उन्हें जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता मकतूल के वारिस के पास लेन देन पर या फी सबीलिल्लाह माफ करने का भी अख्तियार भी था। इस पर नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल के वर्सा में उनके बुजुर्ग और बाकी वर्सा ने फैसला लिया कि वो मकतूलैन के पास जाएंगे और माफी की दरख्वास्त रखी जाए। वो चाहे तो माफ कर दें या वो चाहे तो इनकार कर दें। नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल के वर्सा में इतनी आजजी और इतनी फरियाद थी कि हर मीडिया का जीनत बन गया। नौजवान के वर्सा सब बुजुर्ग बच्चे मकतूल के वारिस के दरवाजे पर पहुंच गए, जिस पर बुजुर्ग बच्चे और सब अहले आयाल अपनी चादरें उनके कदमों में रख दी। इसके अलावा उन्होंने सोना, जमीन, पैसा, कीमती ताइफ और औरतें भी पेशकश में रख दी ताकि वो मुआफ कर दें। वो वर्सा मकतूलैन के घर के सामने लेट गए, अपने सरों पर मिट्टी डालते रहे। हर तरीके से उन्होंने मनाने की भरपूर कोशिश की ताकि वो मान जाएं। इस पर पूरे सऊदी अरब ने माफ करने का बोला गया, लेकिन उन्होंने माफी से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने मोहम्मद बिन मुरसिल की गर्दन उड़ा दी। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने शरीयत में माफी का भी ऑप्शन दे रखा है। मकतूलैन के वर्सों को अल्लाह की रजा की खातिर माफ कर देना चाहिए था। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।